एक्सक्यूज मी, यस, वॉशरूम किधर है? यहाँ से स्ट्रेट जाके राइट. थैंक यू. अबे दिखाई नहीं देता क्या? पूरी ट्रे गिरा दी. शौकत भाई भी कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं. माफ कीजिए. अरे क्या माफ कीजिए यार, पूरे कपड़े खराब हो गए. अरे आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? कोई बात नहीं मियां, गलती होगी होगी. ईद के मौके पे आप कहां गुस्सा कर रहे हैं? क्यों? आप माफ कीजिएगा, वो कोई बात नहीं. पालन, ये यहाँ क्या कर रहे? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर. हाँ बोल. जी सरकार, लड़की भागने की कोशिश कर रही थी. कहा भागने की कोशिश की? सरकार, लड़की बहुत चालाक थी. ठीक है, जैसे ही हमारा यहाँ का काम खत्म होगा वहाँ वो का काम खत्म कर दिया. ये तो किसी को मारने की बात कर, कौन हो सकता है? कि विष्णु ने अभी तक अपना काम खत्म का ही नहीं किया, उसे तो कभी भी इतना वक्त नहीं लगता है. एक बार ये हार हमारे हाथ लग जाए तो हम भी यहाँ से जान छुड़ा के भागे. शरीफ बनने के बाद आदमी कुछ ज्यादा ही कामचोर हो जाता है, हद करता है ये भी. अब ये आदमी सोहम दादा का नाम क्यों ले रहा है? क्या करवाना चाहते हैं दादा से? मुझे 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 जल्द से जल्द अर्जुन को बताना होगा, कहीं ये बालक कुछ करना है. सोहम, 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 मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. कहाँ जा रहे हो? तुम पटना में थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मुझसे इस तरह डर के क्यों भाग रहे हो? कोई जवाब नहीं है, जाए दे. मुझे जानना जरूरी, पूरे घर वाले तुम्हें लेके कितना परेशान है तुम्हें पता है? और तुम यहाँ पर हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? कहा ना, कोई जवाब नहीं है, जाए. मुझे जानना जरूरी है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मुझसे इस तरह से. पूर्वी, सोहम दादा, दादा आप पटना नहीं गए? दादा आप कहाँ चले गए थे? इतने दिन से घर क्यों नहीं आए? आपको पता है हम सब कितने परेशान हो रहे थे, हम सब डर गए थे, हमें लगा कि हमने आपको फिर से एक बार खो दिया. लेकिन सोहम तुम ये बताओ, अर्जुन मैंने अभी अंदर बालन को देखा, वो किसी से फोन पे बात कर रहा था. इनफैक्ट वो आपके बारे में बात. वो आपके बारे में कुछ बात कर रहा था. दादा कहीं आप बालन के साथ तो नहीं आए ना, कोई चोरी या कोई गुंडागर्दी करने के लिए? आप कहीं बिस्मिल लाला बन के तो नहीं आए? बोलिए ना दादा, दादा बोलिए ना. क्या बोले हम तोरे को, क्या बोले बता ना. उन्होंने गौरी को अपने कब्जे में रखा है और कहा अगर उसका काम नहीं करेंगे तो मार देंगे. अब बता कैसे मरने दे उसको? जॉन ने अमेरिका को पटना जाने से रोका, जॉन ने अपने घर में बना दी, बता मरने दे. सोम, लेकिन लेकिन बालन ने तुमसे करने के लिए क्या कहा? उन्हें घर के मालिक की बीवी का हार चुराने को भेजा है हमको. हाँ तो तुम्हें डरने की क्या बात है? हम अभी पुलिस को फोन कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा. मैं नहीं अर्जुन, उसको पता चलेगा तो गौरी को तुरंत मार देगा वो. हाँ तो कोई और रास्ता होगा तुम? सोम, लेकिन तुम्हें पता तो होगा कि उसने गौरी को रखा कहाँ है? नहीं जानते हम. सोम, तुम उसके साथ इतने सालों तक थे, तुम्हें कुछ तो पता होगा, कोई तो जानता होगा कि वो कहाँ पर है. ऐसी कोई जगह जहाँ पर तुम हमेशा साथ में रहते थे, किसी से पूछो, किसी को कुछ कहो. अरे काय पकड़ रहे हो? छोड़ो हमका, अरे छोड़ो हमका. आप पुलिस को फोन कर दीजिए प्लीज. जी जी. शौकत अंकल,
अंकल आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच। बेटे थैंक यू किस बात का, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। साजिद घर के पिछले दरवाजे पे आ जाओ। पूर्वी पूर्वी बाबा को खबर करो मैं बालन के पीछे जा रहा हूं। अच्छा कैसी हो तुम, और तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था, कब से तुम्हें फोन करने बस, की कोशिश। बस, बस मैं आ गई हूँ ना, हम बाद में बात करेंगे, अंदर तो आने दीजिए पहले मुझे। सॉरी आओ। विनोदा कहाँ है? माना विनोदा तो घर गए, वो बहुत थक गए थे ना इसलिए। अरे ये सब छोड़िए, आप सोहम को बुलाइए ना जल्दी से, मेरा मुझे उससे मिलना है, उसी के लिए तो शिरडी गई थी। सोहम अर्चना तुम अभी आई हो, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो फिर बात कर लेना उससे। अच्छा ठीक है, उसको बुला के रखिए, मैं फ्रेश होके आई, प्लीज उसको बुला के रखना। बाबा प्लीज चलिए जल्दी चलिए, बहुत सोहम दादा की जान खतरे में, वो गुंडों में फंसे, गौरी भी उनके साथ, प्लीज जल्दी चलिए। मैंने वो लोग सोहम दादा को पता नहीं क्या। सोहम को क्या हुआ पूर्वी, बोलो सोहम को क्या हुआ भाई, बता ना। तू कब आई, ये सब छोड़ पहले बता सोहम कहाँ है और सोहम को हुआ क्या है। आई वो सोहम दादा गुंडों के बीच में फंसे हुए, उनकी जान को खतरा है। खतरा नहीं तो है कहाँ, आई मैं तुझे सब बताती हूँ ना, तू चल बाबा अभी चलिए ना। सो मेरी बात सुन रहा है तू, बंदूक नीचे रख। लाला तू हम पर गोली चलाएगा, अपने बाबा पर नहीं रे, तू गोली नहीं चला सकता क्योंकि हम जानता हूं कि तुझ में अब वो दमखम नहीं रहा कि किसी पर गोली चला सके। अरे ये अर्चना और वो मानव देशमुख ने तुझे एकदम कमजोर बना दिया है। सो मैं तुझे बोली गोली मत चलाना, ये चाहता है कि तू गोली चलाए और तू हमेशा के लिए तू बिल्कुल इसकी तरह बच जाए। प्लीज सो मेरी बात मान, ये बंदूक नीचे रख, तुझे मेरी कसम है प्लीज। अरे कहाँ देख रहा है, हिम्मत है तो चला गोली चला। सो तुझे तेरी आई की कसम है गोली मत चलाना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सोहम मेरी बात सुन रहा है ना तू, सोहम आइए इंस्पेक्टर। ये रहा बालक, चल हट, पकड़ो सबको, ये लो। इस बार देख तुझ पर ऐसा मुकदमा होगा कि तू आसानी से छूट नहीं पाएगा, ले जाइए इसे। चलो ले चलो। मिस्टर देशमुख स्टेटमेंट देने के लिए और आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। अर्जुन तुम सबको ड्रॉप कर दे। जी चलिए आइए। अर्जुन तुम जाओ इन लोगों को लेके, मुझे सोहम से कुछ बात करनी है, मैं आती हूँ उसके साथ। हाँ जी। चल घर चल। नहीं आए हम उधर नहीं आएंगे। सो मुझे पूर्वी ने सब बताया है, लेकिन हर घर में झगड़े होते हैं ना, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। घर चल। नहीं आए, बात ऐसा नहीं है, वो घर में तोरे को छोड़कर हमरे को कोनो अपना नहीं मानता, पर आए हैं हम सबके लिए, काया है वो घर में, फिर गुस्सा थे हम झगड़े के बाद, माफ कर दिए सबको, लेकिन घर में वापस नहीं जाएंगे। मत आओ, जब तक तू मेरे साथ नहीं आएगा तब तक मैं भी उस घर में नहीं जाऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।